Assalamu alaikum guys, today I'm going to discuss the very important topic, and that is about the one of the word formation processes, and that is reduplication. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, एंड दैट इज अबाउट द रीडुप्लीकेशन. अब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें डेरिवेशन, एफिक्सेशन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, कन्वर्जन, एब्रिविएशन, एक्रोनिम एंड इनिशियलिज्म. सो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में इन तमाम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस के ऊपर बात कर चुकी हूं, उन सबको मैंने डिस्कस किया है. सो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया है. और आज जो हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, दैट इज द रीडुप्लीकेशन. ये बहुत आसान, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. चले हम देखते हैं इसको, रीडुप्लीकेशन को, कि क्या है रीडुप्लीकेशन. ठीक है, सो रीडुप्लीकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स आइदर बाय डबलिंग एन इंटायर वर्ड, यानी कि टोटल रीडुप्लीकेशन, आर पार्ट ऑफ इट और पार्शियल रीडुप्लीकेशन. सो रीडुप्लीकेशन क्या है कि बहुत इजी सा है कि हम अपनी लैंग्वेज में यूजुअली क्या करते हैं कि वर्ड्स को या फिर पार्ट ऑफ वर्ड को क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, डबल कर देते हैं. हम उनको जो है वो बोलते हुए, प्रोनाउंस करते हुए क्या करते हैं कि हम उन वर्ड्स को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं. सो ये इजी सा कॉन्सेप्ट है. अगर हम फुल वर्ड को करते हैं, रिपीट करते हैं या उसको डबल करते हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि ये टोटल रीडुप्लीकेशन हुई है. और अगर उसका जो पार्ट है या कोई साउंड है वो उसके अंदर जो है, हम उसको पार्ट, हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द वर्ड को हम जो है अगर डबल करें, उसको हम जो है वो रिपीट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हमारे पास पार्शियल रीडुप्लीकेशन है. सो ये हमारे पास रीडुप्लीकेशन का एक कंसेप्ट है. नीचे हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि किस तरह से हम टोटल रीडुप्लीकेशन करते हैं और किस तरह से पार्शियल और राइमिंग डुप्लीकेशन है. ये कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम देखें टोटल रीडुप्लीकेशन, सो इसमें 50-50, ब्ला ब्ला, बू बू, बाय बाय. सो ये क्या है, टोटल रीडुप्लीकेशन है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 50-50 फुल वर्ड को हमने जो है वो डबल किया है. फुल वर्ड था 50, अगेन हमने उसको क्या किया, डबल 50-50. हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में 50-50. ठीक है, ब्ला ब्ला ये हम यूज करते रहते हैं, और इसी तरह बू बू, बाय बाय. सो ये क्या, टोटल रीडुप्लीकेशन है. सही है, ये भी एक मेथड ऑफ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है. ये भी एक लिंग्विस्टिक्स में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स, न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन का, न्यू वर्ड्स की एडिशन का वो कैब में. ठीक है, सो ये हमारे पास टोटल रीडुप्लीकेशन हो गई, 50-50, ब्ला ब्ला, बू बू, बाय बाय, इस तरह से. ठीक है, क्योंकि ये सेम वर्ड, फुल का टोटल का टोटल जो वर्ड है सेम, वो एज अ होल वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है या फिर वो डबल हो रहा है. ठीक है, सो ये टोटल रीडुप्लीकेशन हो गई. इसी तरह जो हमारे पास है राइमिंग रीडुप्लीकेशन, राइमिंग रीडुप्लीकेशन में क्या है, एग्जाम्पल्स विली नीली, टीनी वीनी, बूगी वूगी. सो इसमें क्या है कि सेम है, जस्ट ये हम अगर इसको नोटिस करें तो फर्स्ट साउंड इसमें जो है वो चेंज लग रही है. ठीक है, बाकी इसकी राइम स्कीम सेम ही है, रिदम हमें नजर आ रहा है. ठीक है, विली नीली, सो इसकी राइमिंग स्कीम सेम ही है. अगर हम देखें विली नीली, टीनी मीनी और बूगी वूगी, इसमें जस्ट क्या है, इनिशियल लेटर हमें चेंज नजर आ रहा है, बाकी जो है ये सेम है. सो ये हमारे पास क्या है, राइमिंग डुप्लीकेशन है. हम यूजुअली ये भी यूज करते हैं. ठीक है, इसी तरह हम देखें तो हमारे पास थर्ड वन है पार्शियल रीडुप्लीकेशन. सो पार्शियल रीडुप्लीकेशन क्या है कि जिसके अंदर जो है यूजुअली वॉवल साउंड जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, वॉवल साउंड अल्टर हो जाती है. लाइक हम देखें तो चिट चैट, सिंग सॉन्ग, डिंग डोंग, फ्लिप फ्लॉप, टिप टॉप, हिप हॉप. सो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल रीडुप्लीकेशन है. ठीक है, पार्शियल रीडुप्लीकेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसके अंदर क्या है कि वॉवल साउंड का जो हमें चेंज नजर आ रहा है. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, वॉवल साउंड चेंज हो रही है इसमें, ई से आ, चिट चैट में, सिंग सॉन्ग में, डिंग डोंग में, से ये हमारे पास क्या है, पार्शियल रीडुप्लीकेशन है. सो ये हमने डिस्कस किया टोटल रीडुप्लीकेशन को, राइमिंग रीडुप्लीकेशन को और पार्शियल रीडुप्लीकेशन को. और हमने ये भी देखा है कि ये
हमने इसको समझाया कि रीडुप्लीकेशन है क्या, ये क्या कैसा है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, किस तरह से जो है इसके अंदर हम न्यू वर्ड्स की एडिशन और करते हैं, किस तरह से न्यू वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने आज रीड किया, जिसको हमने आज समझा। सो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।